आज मैं आपको बहुत ही आसान टू कलर निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। ये पैटर्न लीफ के डिजाइन में आएगा। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको सीधा उल्टा बनाना आता है तो आप इस पैटर्न को आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले मैं आपको फंदे डालना बताती हूँ। पहले आप एक कलर लेकर, जिस कलर से फंदे डालने हैं उससे नॉट बनाएं। नॉट बनाकर उसको सिलाई में डालें। छोटा सिरा सीधे हाथ की तरफ, लंबा सिरा उल्टे हाथ की तरफ। सीधे हाथ से ऊन की ऐसे लूप बनाकर सिलाई में डालनी है। लंबा वाला धागा ऊपर से उतारना है और इसको सिलाई के ऊपर से निकाल कर धागा खींच लेना है। ये हमारा फंदा डल गया। इसी तरह से हम अपने सारे फंदे डालेंगे। ये जो भी फंदे हम डालेंगे ये 3 के मल्टीपल डालेंगे। जैसे मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं तो 3 के मल्टीपल 6, 3/6 हो गए 18, और प्लस 2। दो फंदे हमने इसलिए डाले एक्स्ट्रा कि दोनों तरफ हम एक एक फंदा रखेंगे तो हमारा डिजाइन पूरा साफ आएगा। सबसे पहले दो सिलाई हम सिंपल बनाएंगे, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। दो सिलाइयां सिंपल बनाने के बाद अब हमें ऊन दूसरी ज्वाइंट करनी है। इसको चाहें तो आप गांठ लगाकर भी ज्वाइंट कर सकते हैं और चाहें तो जैसे मैं ज्वाइंट कर रही हूँ ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं। अब हमें 3 फंदे अपने बेस कलर के, और 3 फंदे जो हमने दूसरी ऊन लगाई है उसके बनाने हैं। तीन फंदे बेस कलर से और 3 फंदे सेकंड ऊन से। इसी प्रकार हम पूरी सलाई बनाएंगे। उल्टी सलाई में जैसे अब सीधी तरफ से हमारे ये लास्ट के बेस कलर के 4 फंदे आए थे तो अब उल्टी सलाई में अब ये बेस कलर के हमें 3 फंदे बनाने। एक फंदा हमें सेकंड ऊन का बढ़ा लेना है। बनेंगे 3 ही फंदे, ये इधर से एक फिर बेस कलर से हो जाएगा। जैसे ये हमारे शुरू के 3 फंदे जो हमने सेकंड ऊन लगाई उससे बनाए, 3 फंदे बेस कलर के, 3 फंदे सेकंड ऊन के। इस तरह हमने पूरी सिलाई पूरी करी। अब उल्टी सिलाई पर हमने बेस कलर से एक फंदा कम कर दिया। इधर एंड में 4 फंदे थे बेस कलर के, हमने इधर 3 कर दिए और इधर सेकंड ऊन से हमने एक फंदा बढ़ा लिया और इधर से एक फंदा बेस कलर का हो गया। फंदे दोनों ऊन से 3-3 ही बनेंगे। इस तरफ बेस कलर पे दूसरा कलर आता जाएगा और इधर दूसरे कलर पर बेस कलर आता जाएगा। अब ये 3 सलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। जैसे ये एक लीफ का सा डिज़ाइन बनता जा रहा है, इधर से जैसे पर्पल ऊन इधर से फंदे बढ़ते गए हैं और इधर से बेस कलर कम होता गया। इधर बेस तो हर लाइन में दोनों ऊन से 3-3 ही फंदे बनेंगे। अब 3 सलाइयों के बाद जो चौथी सलाई आएगी उसमें पैटर्न ये चेंज हो जाएगा। बेस कलर के ऊपर सेकंड कलर पड़ जाएगा। जैसे ये वाइट के ऊपर पर्पल आ जाएगा, पर्पल के ऊपर वाइट आ जाएगा। अब ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
ये दो फंदे वाइट थे, ये हमने पर्पल कर दिए। जो हमारे पर्पल फंदे थे उनको अब हम वाइट कर देंगे। वाइट पर पर्पल, पर्पल पर वाइट आ जाएगा। जैसे अब हमने ये पर्पल कलर को इस तरफ एक एक फंदा करके बढ़ाया था, अब हम ये बेस कलर को एक एक फंदा करके इधर बढ़ाएंगे, या पर्पल कलर को इधर करके एक एक। अब ये इस सिलाई पर तीन फंदे हैं, अब हम सीधी सिलाई बुनेंगे तो ये दो फंदे पर्पल आएंगे, बाकी तीन वाइट, फिर तीन पर्पल, ऐसे बनाएंगे। और नेक्स्ट सिलाई पर फिर ये एक पर्पल रह जाएगा, ये वाले तीन वाइट हो जाएंगे। अब मैं आपको बना के बताती हूँ। ये दो पर्पल हो गए, अब ये तीन वाइट, तीन फिर पर्पल, अब आप देख रहे हैं कि पहले पैटर्न ऐसे चला था, अब ये ऐसे चलेगा। ये देखिए पैटर्न हमारा ये कंप्लीट हो गया है। पहले ये हमने पर्पल फंदे को लेफ्ट की तरफ बढ़ाया था, उसके बाद ऊन, तीन सिलाई बनाने के बाद जब हमने ऊन का कलर चेंज किया, पर्पल पर वाइट किया और वाइट पर पर्पल किया, तो हमने पर्पल कलर को राइट की तरफ बढ़ाया है। तो इस तरह से ये एक पत्ती की शेप ले ली, इसने पत्ती जैसा डिज़ाइन बन गया है। अब ये पैटर्न कंप्लीट है। मैं ये आपको ग्राफ में भी बता रही हूँ, जैसे कि ये तीन फंदे हमने पर्पल लिए, तीन फंदे वाइट लिए, तीन फंदे पर्पल लिए, तीन वाइट, तीन पर्पल। अब नेक्स्ट सलाई जब हम उल्टी तरफ से आए तो ये तीन पर्पल के हमारे दो रह गए, और इधर ये वाइट तीन, तीन पर्पल, तीन वाइट, इस तरह से बढ़ाते गए। और नेक्स्ट सलाई पर फिर ये पर्पल के हमारे तीन, दो, फिर एक रह गया, ये एक, फिर तीन, 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 इस तरह से एक डायरेक्शन में हमने पहले बढ़ाना है, फिर ऊन का कलर चेंज करना है, फिर हमें दूसरी डायरेक्शन की तरफ बढ़ाना है। इस तरह से ये हमारा पत्तियों का एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी पैटर्न को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब इस पैटर्न को पहले हमने लेफ्ट की तरफ बढ़ाया है तो फिर हम इसे राइट की तरफ बढ़ाएंगे, और अगला ऊन चेंज करने के बाद फिर हम लेफ्ट की तरफ बढ़ाएंगे। तो अभी पत्तियों की डायरेक्शन इस तरफ हमें नज़र आ रही है, तो नेक्स्ट रो में हमें पत्तियों की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ नज़र आएगी। थैंक यू। देखिए ये पैटर्न बन के ऐसा तैयार होगा। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पत्तियों की डायरेक्शन हमें सीधे हाथ की तरफ दिखाई दे रही है, और इस तरफ हमें पत्तियों की डायरेक्शन उल्टे हाथ की तरफ दिखाई दे रही है। ये पैटर्न हमें ऐसे ही बनाना है। अब जब हम नेक्स्ट थर्ड रो डालेंगे तो हमें ये वाली लाइन ऊपर डालनी होगी, जिसमें कि पत्तियों की साइड सीधे हाथ की तरफ जा रही है। इसी तरह से हम इसे आगे बनाते जाएंगे। ये पैटर्न बच्चों के स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे हमने ये लाइट कलर में डार्क कलर डाला है। आगे फिर हम इतना बनाने के बाद फिर इस डार्क कलर को हम बेस में ले लें और लाइट कलर से हम ये डिज़ाइन को डाल दें, फिर हम लाइट कलर को ले लें और डार्क कलर से डिज़ाइन डाल दें। इस तरह भी आप इसे बना सकते हैं। आप ये ग्राफ से आसानी से इस पैटर्न को बना पाएंगे। अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।